के महाराणा प्रताप वीर था, महाराणा प्रताप नाम था किसका, एक योद्धा स्वाभिमानी का। ऐसा स्वाभिमानी योद्धा था महाराणा प्रताप। उसने ये कह दिया था अपने पिता से, पिता की मृत्यु के बाद में चित्तौड़ का किला छोड़ करके चला गया था और जंगलों में रहने लगा था, और ये कह दिया था कि किले के अंदर तभी आऊंगा जब जीत हासिल हो जाएगी, नहीं तो किसी महल में नहीं रहूंगा, केवल जंगलों में रहूंगा। और हमेशा वो जंगलों में रहा और वहीं से उसने सारा युद्ध का कार्यक्रम किया। ऐसा स्वाभिमानी महाराणा प्रताप था। के महाराणा प्रताप नाम था, एक योद्धा स्वाभिमानी का। कर दिया चकनाचूर घमंड किसने अकबर अभिमानी का। अरे कर दिया चकनाचूर घमंड किसने अकबर अभिमानी का। महाराणा प्रताप नाम था, योद्धा स्वाभिमानी का। कर दिया चकनाचूर घमंड किसने अकबर अभिमानी का। कर दिया पब्लिक स्कूलों में पढ़ने लगे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे हैं, वे अपने देश का इतिहास उसकी तरफ नजर नहीं है, उसको भूलते हुए जा रहे हैं। कम से कम एक रागनी के माध्यम से तो उनको थोड़ा सा इतिहास की झलक मिल जाएगी। अकबर ने मानसिंह को भेजा था, मानसिंह ने अपनी बहन की शादी भी अकबर के साथ में करी थी। उसने भेजा था कि जा राजपुताने में एक महाराणा प्रताप ऐसा है जो मेरे काबू से बाहर है, उसको तू ये कह दे तुझे सोने का सिंहासन दूंगा और बहुत बड़ा होदा दिया जाएगा तुझे। मानसिंह गया था महाराणा के पास में, महाराणा उसके साथ में खाना खाने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। जैसे ही मानसिंह वहां पहुंचा उसको पता चला, अपना लड़का भेज दिया नुके उसके साथ में, उसको खाना वाना खिला देना, और अगर वो ये कह के तेरे पिता से मिलना है तो ये कह देना मेरे उसके सिर में दर्द है। महाराणा प्रताप ने खाना नहीं खाया, मानसिंह उठ करके चल दिया कि मैं समझ गया कि क्यों खाना नहीं खाना चाहता मेरे साथ में, ये मेरी तोहीन है और इस तोहीन का बदला मैं युद्ध भूमि में लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, यहां से जा रहा हूं। और उधर जाकर के फिर उसने युद्ध की प्लान बना दी, 80,000 अकबर के 22,000 महाराणा के, कैसे युद्ध होता है बला। हल्दी घाटी पहुंच गया लिए सैनिक 80,000 था। हल्दी घाटी पहुंच गया लिए सैनिक 80,000 था। और भाला फेंक गया राणा ने, गया बच्चा मान सिंहवार था। हुया निहत्ता महाराणा अबीर खड़ा लाचार था। हुया निहत्ता
कहानी से ज्यादा गौर आप इस इतिहास पे दो। महाराणा प्रताप ने मान सिंह की तरफ अपना भाला फेंक दिया। मान सिंह हाथी के ऊपर था, महाराणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर था। अंबारी की ओट ले गया और भाला खाली निकल गया। उधर से उसने भी फिर भाला फेंका तो चेतक का पैर कट गया। अब महाराणा निहत्ता हो गया। उसका जो सेनापति था महाराणा प्रताप का झाला था, उसने कहा आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है भारत माता के लिए, आप रणभूमि से बाहर हो जाओ, मुकुट मुझे दे दो। झाला ने मुकुट पहन लिया, युद्ध करता रहा। पहले तो मुगल सोचते रहे कि ये महाराणा ही है और झाला के साथ में युद्ध करते रहे। जब झाला भी मारा गया समझ गए ये तो महाराणा नहीं। इधर उधर देखा तो घोड़ा जा रहा था दौड़ता हुआ रणभूमि से बाहर। तीन मुगल उसके पीछे भागे पकड़ने के लिए और साथ साथ में अकबर का जो सेनापति जो महाराणा का सगा भाई शक्ति सिंह था वो भी पीछे पीछे भाग लिया। चार हो गए भी। वो अपने भाई से नाराज होकर के गया था वहां। अब वे सेनापति किस तरह से महाराणा को घेरते हैं और जब आखिरी समय पे शक्ति सिंह ने देखा कि भारत माता का लाडला आज चला जाएगा इसी क्षण, तो उस शक्ति सिंह ने उन अपने मुगलों को ही मार दिया, अपना घोड़ा महाराणा को दे दिया, कह दिया भाई तू भाग जा। ऐसी वो धरती है हल्दी घाटी जिसका प्रताप मैं आपको सुना रहा हूं। क्या उसी जगह दम तोड़ दिया। साठ फुट नाड़ा तोड़ा तो उसी जगह दम तोड़ दिया। और तीन मुगल पाछे भागे जाके राणा को घेर लिया। शक्ति सिंह ने पहुंच वही हक माँ के दूध का अदा किया। शक्ति सिंह ने पहुंच वही हक माँ के दूध का अदा किया। दिए मुगल मार शक्ति सिंह ने हो करी और भीलों की फौज तैयार करी। एक दिन महाराणा प्रताप की छोटी सी बेटी थी 4 साल की, उसको भूख लगी। उसकी मां ने घास की रोटी बनाई और बना करके जैसे ही रखी थी जंगली बिलाव आया और उस रोटी को उठा करके ले गया। महाराणा ने देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उससे पहले कई बार अकबर ने समझौता करने के लिए कई लोग भेजे थे। देखिए कुछ गणमान्य लोग हमारे बीच में आए, जोरदार ताली से एक बार स्वागत कर दें। बजा के लाओ। महाराणा
बात है पिया जी, आपकी आंखों में आंसू और चिट्ठी लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? न्यू के अकबर को लिख रहा हूँ। न्यू के क्यों? समझौते के लिए लिख रहा हूँ कि किस वजह से कि बेटी की भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं कब तक जंगलों में भटकता रहूंगा। महाराणा की पत्नी ने वो चिट्ठी फाड़ दी कि जिस काम के लिए भारत माता ने तुम्हें भेजा है वो काम तो अधूरा रह जाएगा अगर अकबर से समझौता कर लिया। ऐसी बेटी अगर भूखी भी मर जाएगी तो कोई गम नहीं और हो जाएगी, आप समझौते की चिट्ठी मत लिखो। और क्या बता दिया भला, और हमारे बड़े ही आदरणीय भूतपूर्व विधायक महोदय श्री ओपी यादव जी, उन्हीं की धर्मपत्नी जी हमारे बीच में, जिन बच्चों की शादी उनको आशीर्वाद देने के लिए आई, आप ताली बजाकर इनका अभिनंदन स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर पहुंचे। थैंक यू। नहीं तो ना बाल कटवाऊंगा ना नाखून कटवाऊंगा। इस तरह का प्रणधारी ऐसा छत्राणी का दूध पिया, क्या बात बताई भला। फिर जंगल पहाड़ों में भटक्या था, जंगल पहाड़ों में भटक्या था, रोटी खाके नख और सिख जब कटवाऊंगा देसा जात करा के, नख और सिख जब कटवाऊंगा देसा जात करा के, और धन की झोली भरी सेठ एक बामा शान आके जीत लिया चित्तौड़ अकबर को नको चण चबा के, जीत लिया चित्तौड़ अकबर को नको चण चबा के। और महाराणा था परण का पूरा हो, महाराणा था परण का पूरा, दूध पिया छत्राणी का, कर दिया चकना चूर घमंड से का था कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इतिहास पढ़ने की कोशिश नहीं करते और अपने पूर्वजों ने कैसे कैसे काम करे हैं उनकी तरफ ध्यान बहुत कम होता जा रहा है, इंटरनेट की तरफ बढ़ता जा रहा है। अब की मान मैं बता रहा हूं रागड़ी में, शस्त्र जिसमें 100 किलो का भाला और 50-50 किलो के कवच और तलवार, 208 किलो लेकर के साथ में चलता था युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप। क्या बताया? 208 किलो के शस्त्र, 208 किलो के शस्त्र, भाला कवच और तलवार, दहशत मान ली अकबर ने, झिला नहीं राणा का वार, दहशत मान ली अकबर ने, झिला नहीं राणा का वार, और छोड़ आगरा पहुंच गया, छोड़ आगरा पहुंच गया, कहां
उसने दरबार ही बदल दिया था और बदल दिया अपना दरबार महाराणा का फिर रोना सुन के अकबर भी रोया जार बेजार महाराणा का रोना सुन के अकबर भी रोया जार बेजार और करमपाल